नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में, राजनीति में पार्टी बदलना, बीजेपी में आना, बीजेपी से कांग्रेस में जाना और टीएमसी से बीजेपी में आना, ये सब चलता रहता है। और अभी बंगाल के चुनाव हो के चुके हैं और सोनाली गुहा ने एक पत्र लिखा है ममता को कि दीदी, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, बीजेपी ज्वाइन करके मुझसे गलती हुई है। और ये जो उनका पत्र है, आपस आजकल बहुत चर्चा में आ गया है। मैं देख रही हूँ, कल से ही काफी इस पे बात हो रही है। और अब देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है, सत्ताधारी टीएमसी की वापसी हुई है और ममता बनर्जी एक बार फिर से वहाँ की सीएम बनी है। इसी बीच से चुनाव के समय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी पूर्व विधायक सोनाली गोवा। और बहुत जाहिर सी बात है, सोनाली गोवा ने ये सोचा होगा कि शायद ममता इस बार सत्ता में नहीं आने वाली हैं, सो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब वो लिखती हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आगे देखिए वो क्या लिखती हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है, उन्होंने उसमें ये बहुत साफ लहजे में लिखा है कि जिस तरह मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती, मैं भी वैसे ही आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। काफी सारे चुनाव मैंने भी कवर किए हैं, लेकिन मैंने इस तरीके का खत नहीं पढ़ा। हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों की वैसे तो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन्होंने महिला होने के नाते एक बहुत ही भावनात्मक टच दिया है इस खत को। सोनाली गुहा ने सीएम ममता से कहा कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने पार्टी छोड़ दी। यदि आप मुझे माफ नहीं कर पाएंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कृपया पार्टी में मुझे वापस आने की इजाजत दीजिए ताकि मैं अपना बाकी का जीवन आपके स्नेह में बिता सकूं। सोनाली गुहा ने यह भी कहा कि मैं टूटे हुए दिल से ये लिख रही हूं कि भावुक होकर मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का गलत फैसला ले लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोनाली 4 बार विधायक रही हैं। कभी उन्हें सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था, लेकिन राजनीति में दिल की कोई अहमियत नहीं होती, जज्बातों की कोई अहमियत नहीं होती। वो बहुत करीब थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस बार टीएमसी ने विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था उन्हें, जिसके बाद से उन्होंने इवन अपनी नाराजगी को टीवी चैनल्स पे भी इजहार किया था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में वो ज्वाइन हो गई हैं। बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ये कहा था कि वो बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। सोनाली गुहा ने ये भी कहा कि बीजेपी में शामिल होने का मेरा फैसला गलत था। मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ रह के मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने बीजेपी ने उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुझसे ममता दीदी को बदनाम करने के लिए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और आगे वो लिखती हैं कि टीएमसी में फिर से शामिल होने के लिए वो सीएम से मिलने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से दीदी से मिलने की कोशिश करूंगी, दीदी यानी कि ममता, लेकिन मैं सीएम है, ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब भी आप उनसे मिलने का समय मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। सोनाली गुहा ने कहा कि मैं अगले हफ्ते तक उनके आवास पे जाऊंगी। तो दोस्तों, सोनाली गुहा की अगर बात करें तो बड़ी जाहिर सी बात है, उन्होंने ये सोच करके बीजेपी को ज्वाइन किया कि वहां उन्हें कोई अच्छा प्रोफाइल मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी भी कोई ऐसी पार्टी
पार्टी नहीं है जो एकदम से किसी पर भरोसा कर ले। 2-4 दिन की आई हुई, भले ही वो विधायक नहीं है, लेकिन वो उनको कोई भी ऐसा प्रोफाइल नहीं दे सकते थे, और ना ही कभी उन्होंने पास्ट में ऐसा करने वालों को, दल बदलने वालों को बहुत जल्दी अपने गले लगाया हो। पार्टी ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा प्रोफाइल उनको नहीं देते। तो ये थी सोनाली गोहा की बात। मैं आपसे, आपके साथ फिर हाजिर होती हूँ कोई नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।